बाकी इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए एक बोट है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है सामने में, और दो तीन उधर है। अगर आप बोटिंग के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरह का बोटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा गाइस। तो मिनी गोवा की तरफ कह रही अपन लोग देख लिए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। माहौल जैसा था वैसा नहीं है ना, सोचा था वैसा नहीं लगा ना। पहली बार आए हैं अपन को, बहुत अच्छा लगा भाई। मैं तो बता रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगा घूम के, और जगह देखने में बहुत रौनक है जगह में। मेरे ख्याल से सभी लोग को आना चाहिए, एक ना एक बार घूमने यहाँ पे आना ही चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक माय टू चैनल ललित देवांगन में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस सभी इस टाइमिंग में हूँ मांगार मोती माता मंदिर में। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है, और हम लोगों ने माता जी का दर्शन किए हुए हैं। इसके बाद अभी हम लोग चल रहे हैं गंगरेल डैम मिनी गोवा के पास में। तो चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं और वहाँ पर भी कैसा माहौल है। यहाँ पर तो आप लोग को मैं दिखला दिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो चलिए आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। वैसे यहाँ पे बकरी का बलि दिया है इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। पूरे फैमिली के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, अपनी अपनी जो है मांग है वो पूरी होती है, तो उसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे बकरी का बलि दिया जाता है। चलिए अब चलते हैं, आप लोग को दिखलाते हैं गंगरेल डैम मिनी गोवा। यहाँ पे देख रहे हैं लोग आ ही रहे हैं पूरे कार से भाई, यहाँ पे बाइक से लोग आ रहे हैं, और लीला लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं है। चलो प्रसाद मांगा गाइस, यहाँ पे प्रसाद बोले कि अभी नहीं मिलेगा ऐसे करके। तो चलो कोई बात नहीं, मेन क्या होता है कि इन लोग का ये पर्सनल होता है ना, और जैसे कि इन लोग का खाना कम्प्लीट हो जाता है तो उसके बाद ही देते हैं, ऐसे तो देना मुश्किल हो जाता है। और ये जाता है मिनी गोवा ग्रीन एडवेंचर रिसोर्ट, और अभी हम लोग पार्किंग में पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं बाइक कहाँ पे रखेंगे। और रोड के किनारे पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं खाने पीने के, अगर आप खाना चाहते तो खा सकते हैं। बताओ गाइस, तो पहले खाना खाने का प्लान बन रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है इसलिए, उसके बाद अपन चलेंगे मिनी गोवा के पास में। वैसे मैं पार्किंग है वहाँ पे मैं पहुँच चुका था, तो भाई लोग बोलते हैं पहले खाना खाते हैं फिर उसके बाद देखेंगे, और टाइम भी हो गया ना इसलिए। चलिए गाइस यहाँ पे पता करते हैं। इसके अंदर मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम लोग खाना खाए हुए, होटल घनश्याम करके लिखा हुआ है, और ये जो है एंट्री गेट है, यहाँ से हम लोग आए हुए हैं। सबसे पहले इसके अंदर गए हुए थे, उसके बाद यहाँ पे रास्ता बना हुआ है खाना खाने के लिए, अपन लोग इस होटल में आए हुए हैं। उसके बाद अभी अपन चलते हैं, इस तरफ है मिनी गोवा है, और ये जो है 14 फाटक वाला जो रास्ता बना हुआ है, हालांकि इसमें अभी जाने के लिए किसी को नहीं दे रहा है। उसके साइड से रास्ता गया हुआ है, वहाँ जाने के लिए दे रहा है। और एक रास्ता उस तरफ है जहाँ पे मैं बाइक रखने ही वाला था, लेकिन भाई लोग बोले कि सबसे पहले खाना खाते हैं करके, तो अपन लोग इस तरफ आ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जलाशय गार्डन भ्रमण हेतु बस सुविधा, बर्दिया लेक व्यू टूरिस्ट कॉटेज करके लिखा हुआ है, मांगार मोती मंदिर वो भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते ही हैं घूमने के लिए, तो आप भी आइएगा यहाँ पे घूमने के लिए, यहाँ पे कुछ कार्यक्रम वगैरह हो रहा है। तो गाइस सामने में है मिनी गोवा, जिसे छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा कहा जाता है, और एक कॉटेज वगैरह भी बना हुआ है, यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है, और वहाँ पर भी कॉटेज बना हुआ है। उस वाले रास्ते से मैं आने ही वाला था, लेकिन आप लोग को मैं बतलाया हूँ कि हम लोग का खाना खाने का विचार जम गया, इसलिए हम लोग खाना खाने के लिए चले गए। तो इस वाले रूट से अपन जा रहे हैं, दिखलाते हैं और यहाँ पे कैसा माहौल है। इसके पहले मैं गया हुआ था अंगार मोती माता मंदिर, वहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ भाड़ था, और यहाँ पर तो अभी शांत सा लग रहा है यहाँ पे माहौल। आगे देखेंगे क्योंकि आगे में है मेन पिकनिक स्पॉट।
तो गाइस उस जगह पे पहुंच चुके हैं, ये है रेस्टोरेंट। यहाँ पे अगर आप खाना खाना चाहते हैं, नाश्ता वगैरह करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नाश्ता कर सकते हैं। इस साइड ये देखिए, अभी पानी लबालब भरा हुआ है। इस टाइम में वहाँ पे बोट नज़र आ रहा है। चलिए आगे दिखलाते हैं और आपको बोटिंग कितने सारे हैं यहाँ पर, क्या प्राइस है वो भी आप लोग को बताएँगे। अभी हम लोग सबसे पहले जो मेन एंट्री किए हुए थे बाइक रखने के लिए, जहाँ पर हम लोग सोचे हुए थे, उसी जगह पे वापस रिटर्न आ चुके हैं। और ये है पार्किंग का स्थल है, यहाँ पे रखने वाले थे और यहीं से मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ पे आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं गाइस। यहाँ पे जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं और सामने एक रिसॉर्ट है, रिसॉर्ट भी बना हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे ठहरना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठहर सकते हैं। और यहाँ का जो प्राइस अगर बात किया जाए तो लगभग वही 2000 से ही ऊपर ही है, उससे नीचे तो है ही नहीं। और इस साइड में भी ये देखिए स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे गुपचुप अगर आप खाना चाहते हैं तो गुपचुप भी खा सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बर्दिया लेक व्यू टूरिस्ट कॉटेज करके लिखा हुआ है और ये है एंट्री गेट है, तो यहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ताला लगा हुआ है और मेन जो कॉटेज है वो सामने बना हुआ है, जाने का वैसे रास्ता यहाँ पे है। चलिए आगे चलते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं। अभी जस्ट पहले मैं गया हुआ था और आप लोग को जो है इसलिए दिखलाने के लिए आया हूँ क्योंकि ये एंट्री है, तो यहाँ से आप आ सकते हैं। अगर अंगारमोती माता मंदिर से अगर आप आते हैं तो इस रास्ते का यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो गाइस अभी हम लोग इस तरफ जा रहे हैं और ये देखिए मस्त सुंदर सुंदर पेड़ नज़र आ रहा है और यही है कॉटेज जिसके बारे में मैंने आप लोग को बतला रहा था और वहाँ पर मैं था, वहाँ से इस तरफ आया हूँ आप लोग को दिखलाने के लिए। तो गाइस ये है आपका कॉटेज, आप देख सकते हैं। और इस तरफ है ये मिनी गोवा, जहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए। और अभी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। वहाँ पे है बोटिंग सेक्शन, तो उसको भी आप लोग को दिखलाएंगे और यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा है। तो गाइस ये देख सकते हैं कॉटेज बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अभी इस वक्त कोई नहीं है, इस तरफ भी स्टॉल लगे हुए हैं, देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लेना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, आइसक्रीम तो आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो आइसक्रीम खा सकते हैं। और ये है कॉटेज, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं गाइस। तो ये देख सकते हैं ये है मिनी गोवा, इसे कहा जाता है, ये है छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा। और लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सब कैमरा लेके आए हुए हैं, फ़ोटोग्राफ खिंचा रहे हैं। और वहाँ पे है बोटिंग और इस तरफ है रेस्टोरेंट और उस तरफ से मैं आया हूँ और आप लोग को दिखलाते हुए, और इस तरफ पूरा दिखला देता हूँ मैं आप लोग को। यहाँ पर आप बिल्कुल आ सकते हैं, सुबह के टाइमिंग में पहुँच सकते हैं। अभी धूप का समय है, मतलब दोपहर का समय है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और ये सामने पूरा रेत बिछा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे पहले पिछले टाइम जब मैं यहाँ पे आया हुआ था ना, तो यहाँ पे घोड़े से यहाँ पे सैर कराते थे, लेकिन इस टाइम अभी घोड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। देख रहे हैं कितने लोग पहुँचे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे पहुँच सकते हैं, जैसे कि अभी नया साल आने वाले हैं उस टाइम पहुँच सकते हैं। और अभी भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर घूमने के लिए, देख सकते हैं इस तरफ कॉटेज। तो कॉटेज में आप रुक कर ये जो जगह है ना, इसका आप आनंद ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को दिखलाते हैं। ये तो पूरा जर्जर की स्थिति में हो गया है। एक समय था ये भी यहाँ पे टिकट काउंटर था, इसी जगह पे जैसे कि घोड़ों का सवारी करना चाहते थे ना, तो उस टाइमिंग में यहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ था, लेकिन इस टाइमिंग में अभी नहीं बना हुआ है। लोग आ रहे हैं घूमकर। चलिए पास से आप लोग को दिखलाते हैं। तो गाइस ये जगह कैसा लग रहा है आप लोग बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे जैसे कि पेड़ के जो नीचे का हिस्सा रखा हुआ है, तो इसको काट के रखे हुए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखलाते हैं गाइस। तो है सामने है बोटिंग सेक्शन, यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर क्या क्या प्राइस है। और यहाँ पर लिखा हुआ है टिकट 500 रुपये
पर पर्सन इंक्लूडेड करके लिखा हुआ है, पिकअप एंड ड्रॉप लग्जरी बोर्ड करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे खाने पीने के जो चीज़ है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए दिखलाते हैं आप लोग को यहाँ पे टिकट का क्या क्या प्राइस है। और ये है भाई टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हैं। ये लिखा हुआ है टिकट काउंटर सामने में। यहाँ पे लोग आए हुए हैं पूरे फैमिली के साथ यहाँ पे घूमने के लिए। देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। एक बोट है जो आगे की तरफ जा रहा है, आपको रेट दिखलाते हैं। ये है टिकट काउंटर और यहाँ पे देखिए रेट मेंशन भी किया हुआ है। तो गाइस आप पॉज करके देख सकते हैं, प्रति व्यक्ति इसमें लिखा हुआ है 4,000 और 5 व्यक्ति का 3,000 रुपये, और 10 व्यक्ति का ये वाला करेंगे ना जो ये सामने नज़र आ रहा है ये, इसके लिए आपको 10 व्यक्ति का 2,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर ये पैराग्लाइडिंग जो है आप करते हैं प्रति व्यक्ति आपको 1,500 रुपये। बाकी इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए एक बोट है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है सामने में, और 2-3 उधर है। अगर आप बोटिंग के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ज़रा देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइए। और हमारे लीला भाई वहाँ पे है, स्कूली बच्चे लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। कैसे करोगे क्या बोटिंग वगैरह है? तो इस तरह का बोटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जैसे कि सामने में यहाँ पर भी है। और कुछ जो है मैंने आप लोग को बोर्ड पर दिखलाया हुआ है, वहाँ पर रेट मेंशन भी किया हुआ है। इसके अंदर तभी जा पाएंगे जब अपन टिकट लेंगे, नहीं तो फिर अपन नहीं जा पाएंगे। और देख रहे हैं वहाँ पे कितने लोग खड़े हुए हैं, जो कैमरे में अच्छे से नज़र भी नहीं आ रहा है लेकिन मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। तो गाइस इस एरिया में है बोटिंग की व्यवस्था है, अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो गाइस यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, और लोग कर ही रहे हैं यहाँ पे। और इतने लोग यहाँ पे है बोटिंग करने के लिए, सब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जो सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्ट यहाँ पे आंखों में भी पड़ रहा है और कैमरे में भी पड़ रहा है, इसलिए आपको प्रॉपर तरीक़े से दिखाई नहीं दे रहा होगा, काले काले नज़र ही आ रहा होगा। और टिकट काउंटर ये सामने में है, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप टिकट यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर है गौरव भाई जो है फोटोग्राफ खिंचा रहा है, और यहाँ पर अगर गुपचुप खाना चाहते तो आप गुपचुप वगैरह खा सकते हैं, मस्ताना चुस्की करके लिखा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे एक से एक बढ़कर बोटिंग है, और सभी में रेट मेंशन किया है जो वहाँ पे रुका हुआ है सामने में। और यहाँ पे भी एक साइड में देख सकते हैं बोटिंग है, मस्त सुंदर सा। अगर यहाँ पे आप करना चाहते तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे 10 सीटर 15 सीटर का ही है। तो गाइस एक और स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं आगे लेके जा रहा है ज़बरदस्त है। और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। गाइस तो ये है रेस्टोरेंट, यहाँ पे अगर नाश्ता करना चाहते तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों लोगों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैम्पोलिन करके लिखा हुआ है, 50 रुपीज़। देख रहे हैं सभी लोग आए हुए हैं घूमने के लिए फैमिली के, तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर शनिवार और रविवार को आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलेगा। गाइस तो मिनी गोवा की तरफ कह रही अपन लोग देख लिए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। माहौल जैसा था वैसा नहीं है ना, सोचा था वैसा नहीं लगना नहीं, लेकिन वहाँ पे अंगारमती माता मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ था भाई। अपन पहली बार आए हैं, अपन को बहुत अच्छा लगा भाई, मैं तो बता रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगा घूम के, और जगह देखने में बहुत रौनक है जगह में। मेरे ख्याल से सभी लोग को आना चाहिए, एक ना एक बार घूमने यहाँ पे आना ही चाहिए, बहुत ज़बरदस्त रौनक। आइसक्रीम खाना भी चाहिए, आइसक्रीम तो बिल्कुल खाना चाहिए। अभी कहाँ चलेंगे अपन लोग? गार्डन में चलेंगे, और इधर भी जाना था लेकिन क्या करें, इधर का जो गेट है 14 गेट ये बंद है, इधर का रास्ता को भी बंद करके रखा हुआ है। चलिए गार्डन ही देख लेते हैं, और गार्डन
दिखलाते हैं गार्डन में क्या क्या देखने को मिलता है। लुटन भाई कैसा लगा यहाँ पे? बहुत मस्त लगा ना। पहली बार आया है, मैं सोचा नहीं था ऐसे प्लेस मिलेगा यहाँ देखने के लिए। बहुत मस्त, मेरे को तो अच्छा लगा। आप लोग वीडियो में देख के लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना है। चलिए गाइस अब गार्डन की तरफ अपन चलते हैं। यहाँ पे तो मौज मस्ती बहुत हो गया है, समय हो गया गाइस। खाना खाने के बाद शरीर में आलसपन आ गया था, इसीलिए किसी का हंसी मजाक मस्ती कुछ नहीं हुआ। जो मजाक मस्ती हम लोग ओना कोना जो वहाँ पे गए हुए थे ना, उसी जगह पे था नहीं।